हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास किचन। आज मैं दिखाऊंगी आप सभी को कुछ माइक्रो ओवन का ट्रिक। और ये ट्रिक्स मैं हमेशा यूज करती हूँ। माइक्रो ओवन सिर्फ खाना गर्म करना या फिर केक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारा चीजों के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि माइक्रो ओवन में हम क्या क्या बना सकते हैं और अपने टाइम भी कैसे बचा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ये वीडियो। पहले हम देखते हैं पापड़ को ओवन में कैसे रोस्ट करते हैं। अपने पसंद का कोई भी पापड़ लीजिए और पापड़ को माइक्रो ओवन में रख लीजिए और माइक्रोवेव को हाई पावर में 1 मिनट के लिए सेट कर लेंगे। 1 मिनट के बाद ओवन ओपन कर लेंगे। ये देखिए कुरकुरे पापड़ रेडी हो गया है। मैंने इधर 1 कप सिंगदाना लिया है और इसे अब एक माइक्रोवेव से प्लेट में ऐसे फैला देंगे और माइक्रोवेव को हाई पावर में 3 मिनट के लिए सेट कर लेंगे। 1.5 मिनट के बाद ओवन को ओपन करेंगे और सिंगदाना को थोड़ा सा चला लेंगे। इसे सिंगदाना सभी साइड से अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। 3 मिनट के बाद ओवन को ओपन कर लेंगे और सिंगदाना को निकाल देंगे। अब उसे 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए सिंगदाना अच्छी तरह से भून चुका है। अब आप ये सिंगदाना को अपने पसंद का कोई भी सब्जी हो या कोई भी चटनी में यूज कर सकते हो। सब्जी बनाने के लिए आपको उबला हुआ आलू चाहिए, तो आलू को अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना है। इसे आलू में हमें इस तरह का होल कर लेंगे। अब आलू को माइक्रोवेव से बाउल में रख कर ओवन में रख लेंगे और माइक्रोवेव को हाई पावर में 3 मिनट के लिए सेट कर लेंगे। 3 मिनट के बाद आलू रेडी हो गया है। अब उसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आलू को छिलका निकाल देंगे। इसे अपने पसंद का कोई भी सब्जी में यूज कर सकते हो। मैंने इधर लिया है 1 टमाटर। टमाटो में होल कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब टमाटो को माइक्रोवेव सेफ बाउल में रखकर ओवन में रख लेंगे और माइक्रोवेव को हाई पावर में 2 मिनट के लिए सेट कर लेंगे। दो मिनट के बाद टमाटो रेडी हो गया है। अब टमाटर को इस तरह से स्मैश करके प्यूरी बना लेंगे और इसे आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जी में यूज कर सकते हो। अगर आपको लहसुन छिलना है और टाइम बहुत ही कम है, तब आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। लहसुन को एक माइक्रोवेव से प्लेट में रख लेंगे और माइक्रोवेव को सिर्फ 30 सेकंड के लिए सेट कर लेंगे और 30 सेकंड के बाद लहसुन को ओवन से निकाल देंगे। ये देखिए कितने आसानी से लहसुन का छिलका निकल रहा है। लींबू का ज्यादा रस निकलना है, तो लींबू को सिर्फ 30 सेकंड के लिए माइक्रो ओवन में रख लीजिए और 30 सेकंड के बाद लींबू को ओवन से निकाल लेंगे। ये देखिए लींबू से कितना रस निकल रहा है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी एक और न्यू रेसिपी के साथ।